हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस की 98। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस की 98 के क्विज नंबर 23 में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्विज नंबर 23 का। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो यानी कि अभी तक 1 to 22 वीडियोस जो जिन्होंने नहीं देखे हो, वो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे लाइफ साइंस का फोल्डर है, वहां फोल्डर में जाकर 1 to 22 वीडियो है, सारे देख डाले। वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, पर वीडियो 20 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन है और आज के भी वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, अब बस और कुछ नहीं, कुछ ही वीडियो बचे हुए हैं जो लाइफ साइंस के रिलेटेड है, लाइफ साइंस रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सीरियसली थोड़ा सा वीडियो फिर से देख ले, रिवीजन करना चालू कर दें। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो लाकर आपके सामने देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का क्विज नंबर 23 का पहला सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये देखिए, ये पहला सवाल है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने मानव के लिए यानी कि ह्यूमन बींग के लिए बोला था कि कितने हृदय में कक्ष होते हैं, तो उसका आंसर था 4, पर यहाँ पे आंसर है 3। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दूंगा, क्योंकि आज का जो सीरीज है बहुत इजी है और ये जो सारे क्वेश्चन हैं 20 के 20 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ही नहीं जब बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मीन है? ठीक है, तो आंसर कीजिए, क्रेफिश। क्रेफिश होती है एक तरह का प्रजाति है मछलियों की, सिल्वर फिश, सारे के सारे मीन का मतलब जो होता है मछली ही होता है। ठीक है, तो क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या केटल फिश। तो आपके आंसर देने के लिए मैंने आपको दिए हैं 10 सेकंड, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए सारे बच्चे कमेंट करें, अगर जिनको पता है इसका आंसर तो कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर है, अब मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सी यानी कि फ्लाइंग फिश। ठीक है, एक तरह का मीन है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? कौन से जीव की संख्या सर्वाधिक है? पक्षी, सरीसृप, भृंग, मछली। हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिएचर इन द वर्ल्ड? बर्ड, रेप्टाइल, बीटल और फिश। तो जो आपका आंसर है आप खुद दीजिए, पहले देखते हैं 10 सेकंड में आप लोग कौन कौन से बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट करते रहिए सारे बच्चे जो हैं, कमेंट कीजिए कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ साइंस से 32 नंबर 30 नंबर से लेकर 32 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेलवे में भी और आपके SSC में भी। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर आते हैं हम हर वीडियो में। चलिए इसका आंसर है डी यानी कि मछली। मछली की जो जीव है, मछली जो जीव है इसका संख्या सर्वाधिक है सबसे ज्यादा संसार में। शक्ति रखती है प्राणी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत रखती है प्राणी कौन सा है? कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर, मछली, छिपकली, मेंढक या इनमें से सभी। आंसर कीजिए, 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको, जल्दी। चलिए जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमसे वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन दबा देंगे तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब के चैनल पे जाएगा, हमारे चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, इसलिए प्लीज प्लीज नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबा लें। शीत रक्तीय प्राणी है आपका डी यानी कि ये सभी। ठीक है, मछली भी है, छिपकली भी है, मेंढक भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये है,
नृशंस प्राणी कौन सा है? व्हाट इज अ ब्रूटल क्रिएचर? कछुआ, पिंगविन, ऑटर या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। हु इज अ ब्रूटल क्रिएचर? जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकेंड दिया है मैंने अभी आपको। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो इसका आंसर करें जल्दी से जल्दी। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, जिनको पता है कमेंट कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ए यानी कि कछुआ। ठीक है, इसका आंसर है ए यानी कि कछुआ। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये हर प्रजाति के बारे में वीडियो है, जिन जिन प्रजातियों के बारे में वीडियो है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे विषैला सर्प यानी कि द मोस्ट वेनोमस स्नेक, मूस सर्प, वृक्षीय सर्प, कैरा क्रैट, पाइथन, कौन सा सबसे विषैला सांप है? आंसर कीजिए, 10 सेकेंड दिए हैं मैंने आपको। चलिए इसका आंसर है क्रैट यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सी है आपका राइट आंसर, क्रैट है। क्रैट को ब्लैक कोबरा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, देखिए किंग कोबरा अलग है सांप, ब्लैक कोबरा अलग है यानी कह रहा है अलग है, चेन वाइपर या इनमें से कोई नहीं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, चलिए 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बेफिजूल के कमेंट भी ना करें। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर है बी यानी कि किंग कोबरा, ऐसा एक सर्प है जो घोंसला बनाता है एकमात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु, हाल ही में लुप्त हुआ एक जंतु है, ड्रेको, मैमथ, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं, आंसर कीजिए चलिए जल्दी से। इसका आंसर बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को अगर पता है तो। हाल ही में लुप्त हुआ एक जंतु, तो इसका आंसर है सी यानी कि डायनासोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैली छिपकली कौन है? ठीक है, विषैली छिपकली की एक प्रजाति है वो कौन है, वेरनस, कैमिलिया, हिलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं, विषैली छिपकली कौन है? तो आंसर कीजिए वेरेनस, कैमिलियान, हिलोड्रवा, हिलोड्रा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके चारों ऑप्शन है इसमें से जो आंसर है वो है सी यानी कि हिलोड्रा, हिलोड्रमा। ठीक है, याद रहेगा, छिपकली है एक, बहुत विषैली छिपकली है, ये प्रजाति है छिपकली की। चलिए नेक्स्ट, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? आप लोगों ने देखा है सांप को किससे लड़ते हुए, गीदड़ से? क्या नहीं, बाघ से? नहीं, बंदर से? नहीं, इट मींस कि आंसर होगा आपका ए यानी कि नेवले से यानी कि मोंगोज से। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्री सर्प को कहा जाता है? आंसर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी आपके 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2010 के पेपर में, इसलिए इसका आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। समुद्री सर्प को कहा जाता है क्या, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रो फिश? तो जो आपका आंसर है वो है डी यानी कि हाइड्रो फिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है,
और जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। हो रहा है क्या कि कुछ दिन से बहुत सारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहे, बहुत लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी चिंता ना करें। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके लाइफ साइंस को ओपन कीजिए, लाइफ साइंस के प्लेलिस्ट को, और वहां पे 1-2-22 तक अभी तक के वीडियो अपडेटेड हैं। आज वो 23 अपडेट कर दिया जाएगा, तो जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो अपना वीडियो यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्य कर्ण यानी कि उनके जो कान नहीं होते हैं फिर भी वो ध्वनि को ग्रहण करते हैं। किस से? जीभ से, पैर से, त्वचा से या मुंह से? तो इसका आंसर है सी, यानी कि त्वचा से। वो अपनी त्वचा से ध्वनि को सुन लेते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को जो क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे रिमार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए ये पक्षियों की हड्डियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कैसी होती हैं, कैसी होती हैं? आंसर कीजिए आप 10 सेकेंड में, आप इसके आंसर जल्दी से जल्दी कीजिए। पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस होती हैं, वाटिल होती है या मजबूत होती हैं, या ठोस और मजबूत दोनों होती हैं? सॉलिड, न्यूटिलस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड? तो इसका आंसर है बी, यानी कि न्यूटिलस होती है, यानी कि वातिल होती है। ठीक है, यानी कि बहुत लचीली होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी एक तरह का टिड्डा है, कीटाणु है या कीट है? आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए हर बच्चे को मैं चाहता हूँ कि कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे कमेंट करेंगे उनकी तैयारी अच्छे से होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहे हैं और रीड करने से क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लें, देखने से कोई मतलब नहीं है, रीड करें, उसका आंसर सोचिए क्या होगा, आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आंसर आपने कमेंट किया तो आपको वो आंसर भी याद रहेगा और क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि कीट से। ठीक है, इंसेक्ट होती है मधुमक्खियां और कीड़ी जो होती हैं वो एक तरह का इंसेक्ट होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15 नंबर, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति को होती है, क्या कैसे होती है? बाह्य होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, या ये दोनों? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, अगर फर्टिलाइजेशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसका मैं बता दूंगा उसका आंसर, पर वो भी कमेंट करें जो उनका आंसर उनके दिमाग में चल रहा हो। ठीक है, मैंने बोला अभी आपको कि कमेंट करने से आपको क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन याद तभी होंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो इसका आंसर है ए, यानी कि बाह्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढकों में। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रास होपर? टिड्डी क्या होती है? ठीक है, टिड्डी क्या होती है? एक तरह का चिड़िया है, पक्षी है, वॉर्म है यानी कि कीड़ा है, केमिकल यानी कि रासायनिक है, या एक डिजीज है, एक बीमारी है? चलिए इसको आंसर कीजिए 10 सेकंड के अंदर, आंसर कीजिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कोई भी आंसर कीजिए आप जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आएगा सारा का सारा, बहुत क्लियर है। और ये 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जिन बच्चों ने जितना भी आंसर किया है उसको लास्ट में कमेंट जरूर कर दें कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया और कितना सही किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सक्सेस 98 पे, उनके लिए सफिशियंट क्वेश्चन है, और अभी तक 400 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं लाइफ साइंस के। आपको मैं बता दूं कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछ भी नहीं सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट करता है हर एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, यानी कि कीड़ा, टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपरिन, थायबिन, ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, जो चैप्टर था उससे रिलेटेड जो था, मैं इसमें क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। तो जरा इसका आंसर बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, 10 सेकंड के अंदर टाइम दिया है मैंने आपको, कमेंट कीजिए। व्हाट इज द परफ्यूमरी कंटेंट इन द ब्लड, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपरिन, थायबिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो है ए, यानी कि हेपरिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्नलिखित में से किस समूह, यानी ग्रुप की बात कर रहा है, कि जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोवा, लाइकन। आंसर कीजिए, कौन सा होगा आंसर इसका? Which of the following group have significance in the ascertaining a death due to drawing a organism? Dietin, cyanogen, protozoa या lichen? तो जो आपका आंसर है वो है ए, यानी कि डाइटम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 19 है, ये मैमथ, ठीक है, मैमथ पूर्वज हैं किसके? डॉग्स यानी कुत्तों के, एलिफेंट्स यानी हाथी के, ऊंट की या घोड़े के? आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हर प्रजाति का, ये अभी मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन दूंगा कि हर प्रजाति के पूर्वज को क्या कहते हैं, जो उनके एसेंचर थे, जो पुराने उनके सेंचर थे, उनके सबके बारे में एक चैप्टर है, वो मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, एक वीडियो दूंगा उस पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए इस चैप्टर को। अभी फिलहाल ये 19वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इसका आंसर है हाथी, ठीक है, हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर है, इसको देख लेते हैं। फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स आर फाउंड कीटों में, चमगादड़ों में, पक्षियों में या सांपों में? चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकंड दिया है मैंने अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? आंसर कीजिए, कीटों में, चमगादड़ों में, पक्षियों में या सांपों में? देखिए ये सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 में से अगर हर बच्चा 15 भी सही कर रहा है तो उसका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से ही आपको 20 क्वेश्चन निकाल के दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई चैप्टर वाइज पढ़ाई कर ले तो उसका पूरा का पूरा थ्योरी यानी कि सिलेबस जो है लाइफ साइंस का वो खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता एग्जाम में, ठीक है। तो आप जरा ध्यान लगा के पूरा का पूरा स्टडी कर लें, ठीक है, और हर दिन तो 20 क्वेश्चन दे ही रहे, वो 20 क्वेश्चन एक झलक देख लोगे, पढ़ लोगे तो आपको शायद एग्जाम में भी याद रह सके, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि आपको याद रहे, तो जो स्टडी रेगुलर करेंगे उनको याद रहेगा ही रहेगा। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि कीटों में, फिरोमोन्स जो पाए जाते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शेयर करें हमारे वीडियो को, लाइक करें, जरूर से लाइक करें, ठीक है, शेयर तो बनता है, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, सक्सेस की 98 को, ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहिए, जो भी आपको लगे कि कमेंट करना चाहिए, उचित हो, उसके बारे में पूछना हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं क्विज नंबर 24 में। चलिए बाय बाय।